यहाँ पे ये आर्मी की गाड़ी है। पहले इन्होंने ये जो नंबर लगे हुए हैं, ये वाले नंबर, इनके ऊपर इन्होंने चिट्टें लगाई हुई थी। तो ये हमने खुद उतार के ये देखें, अभी भी ये ऊपर लगी हुई है चिट वगैरह। तो इनके ऊपर इन्होंने नंबर जो है ना, वो पहले इन्होंने बंद किए हुए थे, फिर उन्होंने ये चिट वगैरह उतार के ये नंबर वाजे हुए हैं। यानी कि ये दिहाड़ी भी लगाने के लिए पहले भी यहाँ पे आते थे, तो आज भी आए हैं। तो बंदों ने जो है ना, इनको पैसे वगैरह नहीं दिए, तो सीधे डायरेक्ट उनको फायर मारे हैं। तो ये चिट्टों वगैरह की ये देखने लगी हुई अभी भी, ये सारे बंदों ने अभी उतार के, तो ये देखें, ये दिखा रहे हैं। तो मीडिया वालों से बात की है, मीडिया वाले कहते हैं कि हम जो है ना इनके खिलाफ नहीं जा सकते। तो अब अवाम ही हमारी सपोर्ट आप लोगों ने करनी है इनके खिलाफ, तो मेहरबानी है। ये अंदर बंदा बैठा हुआ आर्मी का, इसने हमारे बंदे को फायर मारे हैं, तीन फायर इसने मारे हैं। अब हमें आप लोग बताएं कि इनको किसने हक दिया हुआ कि ये अवाम क्यों ने भी नाल दस ना फिर रेत मजदूरी कर देने अपनी मजदूरी। हाँ जी, ये सर से बात करें। अब ये मजदूरी करते हैं बेचारे, 500-700 कमाने वास्ते आंदे ने, ये दकते ने जग्गा लेंदे ने, लख डेढ़ लख दिहाड़ी दो तो फिर चलाओ। ट्रालियां का गना की पंदियां ना को लवो, तो पंदियां वाले भी देंदे ने पैसे, ये आपने बात की है सर से भी। ये ऐसे ही आते हैं दिहाड़ी के चक्कर में आते हैं, दिहाड़ी कोई अगर इनको ना दे तो ये आज इन्होंने पैसों की डिमांड की है, तो पैसे उसने नहीं दिए उस बेचारे को, सीधे इस बंदे ने फायर मारे हैं। ये बंदा जो है अब वो उस बंदे को हॉस्पिटल ले गए, यहाँ पे कोई मीडिया वाला आने के लिए तैयार नहीं है। अवाम से दरखास्त है कि इसको आगे पहुँचाएं। ये अब फौज के पीछे कमांडर साहब आए हैं और कुछ और फौजी वगैरह हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। ये सामने फायर मारने वाला मुलजम खड़ा हुआ, उससे बातचीत कर रहे हैं कि इसने कैसे और क्यों। अब देखते हैं कि ये क्या फैसला करते हैं। सारी आवाम बैठी हुई, गांव वाले जिनका इन्होंने बंदे को फायर मारे हैं, ये सामने पुलिस ऑफिसर साहब खड़े हुए हैं जिन्होंने केस वगैरह की गाड़ी है जिनके पास। देखते हैं कि फ़ौज वगैरह कहते हैं कि बड़े अच्छे डिसीजन करती है, फैसले करती है। अब इनके इस बंदे ने बिल्कुल नाजायज़, उस बंदे ने एक ट्राली के सिलसिले में, ट्राली उसकी वो पीछे खड़ी हुई है, तो मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा था जो बेचारा, और वो डेली के 400-500 रुपए बना के तो अपने घर की जो है वो घर का निज़ाम चला रहा था। अब देखते हैं कि उसके हक में ये आर्मी क्या फैसला करती है। ये आपको अलाउ नहीं है कि आप किसी को फायर लगाए? कोई अलाउ नहीं है, ये भी अलाउ नहीं है। सानू तंग करो सर, एक बंदे ने फायर मारे, दूजे ने आख्या फायर मार दे, जे वाम फटन लगी तो सारे आने ने सारे मार दे फायर। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਇਧਰ ਆਓ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕੋ ਹਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਵੋ ਹੋਗਾ ਉਸੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਹ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗਾੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੋਨੇ ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਇਨਕੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੋਨੇ ਚਿੱਟੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੋ ਇਹ ਹਮਨੇ ਖੁਦ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖੇ ਅਭੀ ਵੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਿੱਟ ਵਗੈਰਾ तो इनके ऊपर इन्होंने नंबर जो है ना, वो पहले इन्होंने बंद किए हुए थे, फिर उन्होंने ये चिट वगैरह उतार के ये नंबर वाजे हो गए हैं। यानी कि ये दिहाड़ी भी लगाने के लिए पहले भी यहाँ पे आते थे, तो आज भी आए हैं। तो बंदों ने जो है ना इनको पैसे वगैरह नहीं दिए, तो सीधे डायरेक्ट उनको फायर मारे हैं। तो ये चिट्टों वगैरह की ये देखने लगी हुई अभी भी, ये सारे बंदों ने अभी उतार के, तो ये देखें, ये दिखा रहे हैं। तो मीडिया वालों से बात की है, मीडिया वाले कहते हैं कि हम जो है ना इनके खिलाफ नहीं जा सकते।
तो अब अवाम ही हमारी सपोर्ट आप लोगों ने करनी है इनके खिलाफ। तो मेहरबानी है, ये अंदर बंदा बैठा हुआ आर्मी का, इसने हमारे बंदे को फायर मारे हैं, 3 फायर इसने मारे हैं। अब हमें आप लोग बताएं कि इनको किसने हक दिया हुआ कि ये अवाम क्यों ने भी नाल दस ना भी रेत मजदूरी कर देने अपनी मजदूरी। हाँ जी, ये सर से बात करें। अब ये मजदूरी कर देने बेचारे 500-700 कमाउन वास्ते आंदे ने ਤੇ ਇਹ ਦੱਕਦੇ ਨੇ ਜੱਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾਓ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗਨਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਵੋ ਤੇ ਪੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਪੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਸੇ ਵੀ, ये ऐसे ही आते हैं दिहाड़ी के चक्कर में आते हैं, दिहाड़ी कोई अगर इनको ना दे तो ये आज इन्होंने पैसों की डिमांड की है तो पैसे उसने नहीं दिए उस बेचारे को, सीधे इस बंदे ने फायर मारे हैं। ये बंदा जो है अब वो उस बंदे को हॉस्पिटल ले गए, यहाँ पे कोई मीडिया वाला आने के लिए तैयार नहीं है। अवाम से दरख्वास्त है कि इसको आगे पहुँचाएं। देखो ये अब फौज के पीछे कोर कमांडर साहब आए और कुछ और फौजी वगैरह आए, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। ये सामने फायर मारने वाला मुल्ज़िम खड़ा हुआ है, उससे बातचीत कर रहे हैं कि इसने कैसे और क्यों। अब देखते हैं कि ये क्या फैसला करते हैं। सारी आवाम बैठी हुई गांव वाले जिनका इन्होंने बंदे को फायर मारे हैं, ये सामने पुलिस ऑफिसर साहब खड़े हुए हैं, देखते हैं कि फ़ौज वगैरह कहते हैं कि बड़े अच्छे डिसीजन करती है, फैसले करती है। अब इनके इस बंदे ने बिल्कुल नाजायज़, उस बंदे ने एक ट्राली के सिलसिले में, ट्राली उसकी वो पीछे खड़ी हुई है, तो मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा था जो बेचारा, और वो डेली के 400-500 रुपए बना के तो अपने घर की जो है वो घर का निज़ाम चला रहा था। अब देखते हैं कि उसके हक में ये आर्मी क्या फैसला करती है। ये आपको अलाउ नहीं है कि आप किसी को फायर लगा? नहीं अलाउ, कोई अलाउ नहीं है, ये भी अलाउ नहीं है। सानू तंग करो सर, एक बंदे ने फायर मारे, दूजे ने आख्या फायर मार दे, जे वाम फटन लगी तो सारिया नूं आंदे ने सारिया नूं मार दे फायर। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਜਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਇਧਰ ਆਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਕੋ ਹਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਵੋ ਹੋਗਾ, ਉਸੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। YouTube ਪਰ Googly News ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲਿਏ YouTube.com ਕੀ ਸਰਚ ਬਾਰ ਮੇ Googly News TV ਟਾਈਪ ਕਰੇ। Googly News ਕੇ ਪੇਜ ਪਰ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁਲੀਏ। YouTube ਪੇਜ ਪਰ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਸ ਸੇ ਬਾਖਬਰ ਰਹਿਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਬੈਲ ਆਇਕਨ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਜੀਏ, ਆਪਕੋ ਹਰ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੌਸੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।